नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरजू मिश्रा। पटना साहिब से एक खबर हमारे सामने आ रही है जहां पर गुरुद्वारा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई है जब गुरुद्वारा के मुख्य ग्रंथी भाई राजेंद्र सिंह के गर्दन में कृपाण घुस गया। आइए दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। पटना साहिब तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गुरुद्वारा के मुख्य ग्रंथी भाई राजेंद्र सिंह के गर्दन में कृपाण घुस गया, जिससे वो खून से लथपथ तड़प रहे थे। जहां पर आनन फानन में उनको इलाज के लिए गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल भेजा गया, जहां पर चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए PMCH रेफर कर दिया। हालांकि इस मामले में जाँच की जा रही है। इतना तो बोल नहीं सकते हैं, मेरा दिमाग जैसे गया हुआ था चाय लेके, और उसके बाद है कि मेरे फ़ोन किया कि पापा का ऐसा ऐसा हो गया है। तो हम पूछा, ये तो अभी तक होश में है, हम पूछा कि कैसे लगा है, तो कहने लगे कि कृपाण है, जैसे बाथरूम से आए वही गले में लग गया। लेकिन ये तो कमेटी है, हर वक्त इनको टॉर्चर करता है। अच्छा। समझे, प्रधान है, सेक्रेटरी है, इनको टॉर्चर किया रहता है। ये जैसे मेन गुरुद्वारे में 5 प्यारे होते हैं, उनमें ये हैं, ये हेड ग्रंथी हैं। समझे, इनको पहले भी है टॉर्चर किया गया और इनको हटाया गया। उस टाइम भी बहुत लोकल पब्लिक ये सब झगड़ा ये सब बहुत हुआ था। इनको बताया जा रहा है, देखिए ये हेड ग्रंथी का पोस्ट है ना, पहले भी भाई मान सिंह रहे हैं, समझे, उनको हटाया नहीं गया। वह बीमार भी रहते थे, ये भी बीमार ही रहते हैं, समझे, पैर से लाचार रहते हैं। तो इनको हटा के दूसरा अपना आदमी बनाने के लिए कमेटी, अपने आदमी को रखना चाहते हैं। हाँ, कमेटी जनरल सेक्रेटरी है, प्रधान है, वही है, 5-6 आदमी है। अच्छा, अभी परसों है, फिर चिट्ठी निकाले में थे, जनरल सेक्रेटर भेजे कि उसका नाम देके जिसको रखना है कि उसको 5 प्यारे में शामिल किया जाए, ऐसा लिखे हैं। कौन-कौन लोग हैं? जनरल सेक्रेटर। क्या नाम है उनका? जनरल सेक्रेटर, हम पूरा नाम नहीं जानते अभी। थोड़ा किस चीज के लिए हुआ था? आज कोई विवाद नहीं, परसों। हाँ, ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।